आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने ओप्पो फ़ोन में प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आता है ये कांट इंस्टॉल ऐप। जैसे कि हम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हैं तो ये कांट इंस्टॉल व्हाट्सएप मैसेंजर आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम अपने ओप्पो फ़ोन में ठीक कैसे करें, तो इसके लिए प्ले स्टोर से बाहर आइए। अब यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो ये ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। यहाँ पे अब नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा अब ये गूगल प्ले स्टोर, तो यहाँ पे ये गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करिए। ऊपर ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए। यहाँ पे अब नीचे ये स्टोरेज यूसेज आएगा, तो स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैश करिए। ऊपर ये क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट या फिर आपके फ़ोन से कोई ऐप डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे अब बैक आइए, सेटिंग में ऊपर आइए, ऊपर आकर आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर क्लिक करिए। अब ये सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, तो जिस सिम से आप नेट चलाते हैं उस सिम कार्ड पे क्लिक करिए। हमने ये सिम वन पे क्लिक किया। अब नीचे ये एक्सेस पॉइंट नेम्स आएगा या फिर एपीएन आएगा, तो ये एपीएन पे क्लिक करिए। ऊपर राइट में तीन डॉट पे क्लिक करिए, रीसेट एक्सेस पॉइंट आएगा, इस पर क्लिक करिए, नीचे रीसेट करिए। ये करने से भी कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है, तो बैक आइए। अब अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिए, उसके बाद ये फ़्लाइट मोड बंद करिए। यहाँ पे अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, बंद करके चालू करिए और अब अपने ओप्पो फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए। और अब यहाँ पे प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करेंगे, तो जैसे कि ये डाउनलोड पे हमने क्लिक किया और अब ये व्हाट्सएप डाउनलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने ओप्पो फ़ोन में कांट इंस्टॉल ऐप प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।